NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित एक पाठ। पाठ का शीर्षक है नदी का सफर। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। पानी यहां से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या-क्या जानते हो? जहां से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी वी आकार की घाटी बनाती है। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी से मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। वो स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे नदी विसर्प यानी मेंडर कहते हैं। नदी यहां गहरी और चौड़ी होती है। नदी का सफर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। पाठ समन्वय डॉ. लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज शर्मा, ध्वनिंकन दीपक पांडे और मीता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।